नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। 2022 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम पार्टी और बहुजन पार्टी, तो सारी पार्टियां तो तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो निर्दलीय उतर रहे हैं और सरकार को सामने से मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में लक्ष्मी प्रकाश दीक्षित जी, जो 172 उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि 2022 के लिए उनकी क्या तैयारी है और जिस तरीके से 172 उत्तरी विधानसभा उन्होंने क्षेत्र अपना चुना है, तो वहाँ की जनता कितने उनके सपोर्ट में उतरेगी और क्या तैयारी है। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को और उत्तर विधानसभा साथियों को, नमस्कार। तो क्या तैयारी है आपकी 2022 को लेकर? 2022 में मैं सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर के उतरा हूँ, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशानियाँ पैदा करती जा रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उस नीतियों को से परेशान होकर के कहीं ना कहीं मैं 2022 में उतरा हुआ हूँ। तो 2022 के लिए अगर आपने चुना है उतरने के लिए 172 उत्तर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं आपकी, जिसमें से एक सपा का कब्जा है, बाकी 8 पे बीजेपी का कब्जा है, तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कितनी आपको विजय हासिल होगी? चूंकि विजय की वजह यह रही कि मैं 26 सालों से इसी क्षेत्र में व्यापार कर रहा हूं और करीब करीब पूरे उत्तर विधानसभा में मुझे जानकारी है और पूरे उत्तर विधानसभा में मुझे अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। इस वजह से मैंने उत्तर विधानसभा चुना है और कहीं ना कहीं जन समस्याओं का भी मुझे पूर्ण अनुभव है, इस वजह से मैं उत्तर विधानसभा से। तो 5 सालों में बीजेपी में क्या, इस क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ जो आपको खुद मैदान में उतरना पड़ा? कोई भी विकास नहीं हुआ 5 सालों में। अब 4.5 साल बीत चुके हैं, कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ आते हैं हमारे विधायक जी, सांसद जी, सब आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं, बताते हैं कि ये कहिए बन गया, वो बन गया, सब कागजों पे बना हुआ है, धरातल पे कुछ भी नहीं। अगर जो 1% भी जो है धरातल पे काम होता हो तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे, पर धरातल पे कुछ नहीं। आप जहाँ बैठे हो, अभी कुछ दिन पहले हमने यहीं आगे प्रदर्शन किया हुआ था, एक छोटा सा गड्ढा है, हमको लगता है जिसमें कारवार तक चली जाएंगी, वो अभी तक नहीं भरा जा चुका है। वो क्या काम कर रहे हैं, छोटा गड्ढा नहीं भर पा रहे हैं, जो करीब 100-150-200 फीट के आसपास का होगा लंबाई में, वो नहीं भर पा रहे, करेंगे क्या ये? तो जिस तरीके से मोदी सरकार आई थी, जैसे उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो 5 सालों में आपके क्षेत्र का कितना हुआ विकास या नहीं हुआ विकास? कोई भी विकास नहीं हुआ। अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई विकास नहीं हुआ, ना होने की संभावना है। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियों का शिकार बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है और कुछ नहीं। विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी, महंगाई और लूटखोरी जरूर होती जा रही है। महंगाई जब आपने बोला, तो महंगाई को लेकर एक सवाल हम भी आपसे करेंगे। जिन वादों को लेकर बीजेपी सरकार आई थी, महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और देश का विकास, देश के विकास के नाम पर आज आप लखनऊ में हर जगह बैनर देख रहे होंगे, विकास दीप उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहें? वो उत्सव झूठा मनाया जा रहा है। कहीं पर भी आप बेरोजगारी देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यही मोदी जी हमारे 2013 में कहीं ना कहीं इसी पेट्रोल का जो विरोध कर रहे थे, आज वही मोदी जी लगातार पिछले 5 सालों में लगातार जो है तेल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो गैस कभी 4.5-5 रुपए में थी, आज वही गैस 1,000-1,200 रुपए में हो चुकी। जो पेट्रोल डीजल 70-60 रुपए में था, उसका आप विरोध कर रहे थे, आज वही पेट्रोल डीजल आप 104-105 में बेचने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। आप कोई भी महंगाई या बेरोजगारी, बेरोजगारी देख लीजिए, बेरोजगारी की ये स्थिति कि खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पकौड़े तलो, क्या काम कर रहे हैं? अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति पकौड़े तलेगा तो काम क्या करेगा, वो फिर पढ़ने क्या जरूरत उसको? तो जिस तरीके लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो आपके नज़रिए से क्या है कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? अब ये तो सरकार ही बता सकते हैं क्यों बढ़ा रहे हैं, तो उनके हाथ में है ना, हमारे आपके हाथ में हो तो जरूर रोका जा सके। जब भी आप इस 172 विधानसभा से उतर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के तो उतर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जो हम कहीं ना कहीं उस स्थिति में पहुंचते हैं, तो जरूर उस पर जो बेहतर से बेहतर हो पाएगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा। आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो 22 में जो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले आप जो अपना प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, तो पूरे लखनऊ को तो आप लोग जानते ही जानते हैं, इस क्षेत्र में भी आप लोगों को बहुत लोग जानते हैं, तो यहाँ पे जो विकासों की आपने तैयार करी होगी, क्या क्या चीज़ें आप लेकर के आएंगे आम जनता के लिए, क्या क्या सुविधाएं लेकर के आएंगे, वो बताइए। देखिए मैम, समस्याएं बहुत तगड़ी हैं यहाँ, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि इनको ख़त्म कर पाना संभव नहीं।
पर प्रयास किया जा सकता है, जो हमारा प्रयास रहेगा कि नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली व्यवस्था, इन सबको दुरुस्त बना करके मेरा संपूर्ण प्रयास रहेगा कि लखनऊ का उत्तर विधानसभा लखनऊ का नंबर वन क्षेत्र बने। जैसे आपने एक अपना पंपलेट छपवाया तो उसमें आपने लिखा हुआ है अगर मैं अपने कार्यों में सफल नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी बिल्कुल, मैं जो लिख रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सत्य है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वादा कर रहा हूँ, अगर जो मैं अपनी कही बातों पर सही नहीं उतरता हूँ तो मैं तत्काल इस्तीफा देने को तैयार हूँ। क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि नेता आते हैं 85% वादे करके जाते हैं, जैसे 85% काम नेता नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका शिकार मैं, आप और सब हैं। तो उससे कहीं ना कहीं तकलीफ हमें भी है और आम जनता को भी है। तो कहीं मुझे ये लगता है कि अगर जो मैं भी गलत हूँ तो मुझे उस जगह बैठने काबिल मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, जैसे कांग्रेस है, राष्ट्रीय सरकार कही जाती है, उसके बाद बीजेपी है जिसको लोग टक्कर देने के, लोगों ने 2017 में गठबंधन कर लिया, कांग्रेस, सपा, बहुजन सब एक साथ हो गए, अब आम पार्टी भी है। तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के लोग कितना आपको सपोर्ट करेंगे? इस क्षेत्र को लोग सपोर्ट करेंगे इसीलिए खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने लोगों का प्यार है, लोगों का सहयोग है। लोगों से चर्चा करने के उपरांत ही मैं यहाँ, मैंने ये फैसला लिया है। तो लोगों के जब सहयोग मिला तब मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। तो मेन समस्या यहाँ की क्या, थोड़ी समस्या बताइए। समस्याएँ बहुत हैं, समस्याएँ भी आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह सड़क पर गड्ढे हैं, सड़कों का कहीं भी कोई निर्माण नहीं। टैक्स के नाम पे लेते जाएंगे, रोड टैक्स के नाम पे पैसा लेंगे, टोल टैक्स के नाम पे पैसा लेंगे, निर्माण कुछ नहीं। मेन सबसे बड़ी समस्या है सड़क, मेन होल ये सब खुले पड़े रहते हैं। सड़क हर जगह आपको गड्ढे मिलेंगे, आदमी चल रहा उसी सड़क पर, उसका टैक्स भी दे रहा, उसके बावजूद वो सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं। पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, फैजुल्लागंज में आए दिन ये डेंगू महामारी हर बार आ जाती है, यहाँ समस्या है। ये एक बड़ी समस्या है कि आप सरकार इसमें हर चीज़ों में सफल विफल होती जा रही, कहीं भी कोई कार्य सरकार नहीं कर पा रही कि सही तरीके से सरकार करे, काम करे, सिर्फ पन्नों पे काम हो रहा। तो फैजुल्लागंज की क्षेत्र के तरफ का तो नीरज बोरा जी लगते हैं उधर के विधायक आपका, तो उन्होंने क्या कोई कार्य नहीं किया? नीरज बोरा जी कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, कह के चले जाते हैं, बताते हैं हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले फैजुल्लागंज भी आए थे तो पब्लिक ने कहा आइए आपको आगे गली दिखा दें क्या स्थिति है, वहाँ जाने को तैयार नहीं थे। और काम आप कर रहे हो तो आपको जाने में क्या तकलीफ है, आप पन्ने पे काम कर रहे हैं ना, हकीकत में काम करिए तो क्यों आप नहीं जाएंगे? हमें कोई ले चले, हम देखते हैं कहाँ नहीं जाएंगे। अब हमने काम किया होगा, हम सही होंगे तो हमें जाने में और मुँह चुराने में कोई दिक्कत थोड़ी, हम क्यों मुँह चुराएंगे, हम सामना करेंगे उसका। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जब बनती तो विकास का नाम पर बनती, लेकिन जब काम आता है विकास का तो सिर्फ कागजों पर विकास होता है। जी बिल्कुल, अभी तक यही हुआ है और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ पन्नों पे विकास कर रहे हैं, धरातल पे कोई विकास नहीं हो रहा। धरातल पे जिस दिन विकास होने लगेगा हमें आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पब्लिक परेशान है, आम जनता परेशान है, गरीब परेशान है, स्थितियाँ ये हैं कि अब की लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे, वो स्थिति है। आम आदमी परेशान, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं विफल, इसी वजह से तो ये समस्याएँ आ रही हैं। एक सवाल हम आपसे और करेंगे चलते चलते कि संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से आप जुड़े हैं, व्यापारी भी हैं, तो इस समय व्यापारियों का क्या हाल है? व्यापारी बहुत परेशान है, एक तो ऑनलाइन कमर तोड़े हुए व्यापारियों की। मैं सभी व्यक्तियों से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन खरीदारी ना करें, कहीं ना कहीं उसमें हमारा व्यापारी परेशान हो रहा है। वो दुकानें सजाए बैठा हुआ आपकी राह देख रहा है और सुबह शाम तक बैठा रहता है और उसमें विफल हो जाता है, उसका घर परिवार चलना मुश्किल होता जा रहा है। एक ये बड़ी समस्या है जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है और चीज़ें वही बेची जा रही, बस ऑनलाइन आप कम दो पैसा कम देते हैं तो लोग लालच वस ले रहे हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसका नुकसान हमें आपको सबको करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी व्यक्ति व्यापारी हैं। आप कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं। हम सबको ऑनलाइन खरीदारी बंद करके पहले तो मार्केट में जाना चाहिए, मार्केट से खरीदारी करनी चाहिए। और जो सरकार की नीतियां हैं उसके उस पर ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कि GST वगैरह पे आए दिन नए नए नियम कानून लागू हो रहे हैं तो उससे लोग परेशान होकर के मैंने देखा कई जो है व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। GST जब सरकार लेकर के आए तो व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी? व्यापारियों को कोई GST राहत नहीं, सिर्फ समस्याएं खड़ी हो रही। अभी कईयों को तो खुद नियम नहीं पता है, GST अधिकारियों तक को नियम नहीं पता होगा कि इसमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। व्यापारियों को नियम नहीं पता हो पा रहा है, हर चौथे दिन नियम चेंज हो जाते हैं, आज ये नियम है कल वो नियम है, आदमी कहाँ तक नियम को फॉलो करे, काम करे कि सिर्फ आपके नियम ही बनाता रहे। एक बार आप नियम बनाइए
जो कम से कम 5 साल के लिए लागू तो रहे। ये थोड़ी कि आज आपने नियम बनाया, 2 महीने बाद फिर नया नियम बना दिया। उसमें व्यापारी व्यापार करे कि आपके डेली जो है नियम कानून फॉलो करें। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, चलते चलते फेस्टिवल आ रहे हैं, दीपावली आज धनतेरस आ रहा है, तो सभी देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे और 2022 में सभी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पहले सर्वप्रथम तो सभी नेताओं से निवेदन करता हूँ कि जो भी नेता होर्डिंग बैनर पोस्टर पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा बजट काट करके गरीबों को दिवाली मनाने में सहयोग करें, जिससे कि कहीं ना कहीं गरीब के घर में दिया जल सके। और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। 22 के लिए क्या कहना चाहेंगे? 22 के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने सभी दल को देखा होगा, अब हमारा निवेदन है कि सभी निर्दल प्रत्याशियों को आप लोग जिताइए, क्योंकि निर्दल प्रत्याशी कहीं ना कहीं आपके बीच का होगा और कहीं ना कहीं वो आपको कार्य करके जरूर देगा, क्योंकि वो आपके बीच से खड़ा हुआ व्यक्ति है, पार्टी का नहीं। निर्दल प्रत्याशी का अपना खुद का फैसला होता है, पार्टियों का फैसला नहीं होता है। और पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं उनका फैसला कहीं ना कहीं पीछे से लेकर के नीचे तक रहता ही रहता है, उनको दबाव बना होता है, इसलिए वो काम करना भी चाह रहे तो नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से मैंने आपसे पूछा था कि जैसे पूरे लखनऊ में विकास दीप उत्सव के बैनर लगे हुए, दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है, विकास दीप उत्सव मनाया जा रहा है, तो जो छोटे ग्राहकों को दिया गया था, जैसे COVID-19 में देखा सरकार ने लोगों को लोन दिया, 10,000 का लोन दिया, बड़े व्यापारी को बड़ा लोन दिया, तो इस विषय पर क्या कहें? देखिए, उत्सव मनाना चाहिए पब्लिक को, अगर जो पब्लिक जनता हमारी जो है विकास हुआ होता तो उत्सव मनाती। ये हम आप खुद उत्सव मना रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ हम ढोंग कर रहे हैं। जनता मनाती उत्सव तो उसका जो है कहीं ना कहीं हमें निष्कर्ष दिखता कि हाँ आपने काम किया है इसलिए उत्सव मन रहा। उत्सव अपने घर में आप कुछ ही मना लीजिए तो आपके हाथ में है। आप मन की बात बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कह देते हैं, पब्लिक के मन की बात तो जान ही नहीं रहे हैं। भाई पब्लिक से तो आप पूछिए कि जनता को क्या तकलीफ है, अपने मन की बात तो हम भी कुछ कह दे रहे हैं। हमारे कह देने से आप एक हमारे मुखिया होने के नाते आपका ही फर्ज बनता है कि पब्लिक से तो पूछिए, हमारी जनता से पूछिए, हमारे लोगों से पूछिए कि समस्याएं हमें क्या हैं। लोन की रही बात तो लोन उन्होंने 10,000 रुपये बांटे, हमने भी उसका सहयोग किया, हमने भी समर्थन किया कि चलिए कहीं ना कहीं आपने अच्छा काम किया, पर उस काम में क्या किया आपने? लोन दिया, व्यापार चला नहीं, लोग उसको और लोन वो कर्जे के रूप में हो गया, लोगों का सिविल ख़राब हो गया, लोग कर्जे में आ गए, आज लोग परेशान हैं उसके लिए। सबसे ज़्यादा इसी सरकार में इनपे खाते हुए हैं, और किसी सरकार में, मैं पिछले 20 सालों से व्यापारी नेता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो इनपे खाते हुए हैं इसी सरकार में हुए हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है जितने भी वादे हुए वो हुए फेल? बिल्कुल, कहीं भी सरकार इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ विफल सरकार रही है, कहीं भी इन्होंने कोई भी एक भी वादा नहीं किया। जो इनका स्वागत योग जो मुझे लगा, मैंने भी स्वागत किया था, 370 धारा का स्वागत मैंने भी किया था, मुझे भी वो उनका फैसला सही लगा। उसके अलावा कोई फैसले में मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। पब्लिक परेशान है, पब्लिक के ऊपर कहीं भी ध्यान सरकार का नहीं है, महंगाई पर कहीं कोई लगाम नहीं है, महंगाई कहीं रुक नहीं रही, यही स्थिति रही तो लोग आत्महत्या करते लगातार मजबूर होते जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में उत्तरी विधानसभा 172 के प्रत्याशी लक्ष्मी प्रकाश दीक्षित जी, जो कि 2022 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में उनकी विचारधारा आपने सुनी, किस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे उनके नज़रिए में और सबके नज़रिए में वो फेल हुए, तो उनका कहना ये है जो वादों को लेकर के वो आ रहे हैं और उतर रहे हैं 2022 की तैयारी के लिए, तो आम जनता के लिए वो काम भी करेंगे और अपना नाम भी करेंगे, अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा भी देंगे, क्योंकि वो निर्दलीय उतर रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहा है संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। तो व्यापारियों के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं लेकर के आती, जैसे GST लेकर के आती है और आपका बहुत सारी वादे लेकर के आती कि व्यापारियों का साथ होगा, जनता का साथ होगा, जनता का विकास होगा, दीप उत्सव मनाया जाता है, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और आम जनता की कमर टूटती चली जा रही है। अब तो आने वाले त्योहारों में ही बताया जाएगा कि किस तरीके से आम जनता दीपावली मना रही है या दीपावली की जगबगाहट कम होगी। तो इसी के साथ अर्चना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।